हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चटकारेदार मज़ेदार चटपटा सा और बहुत ही स्पाइसी सा कोल्हापुरी मिसल। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर खाइएगा और आप इसे स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, लो हीट पर आप उसे रख दीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें रोस्ट करेंगे, जैसे कि एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा कप सूखा हुआ नारियल ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा चम्मच खसखस है यानी पॉपी सीड। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसे आप ठंडा कर लीजिए और इसमें एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे पेस्ट बना लीजिए, इसे ग्राइंड कर लीजिए। और अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो 8 इसमें लहसुन की कलियां और एक छोटा सा अदरक ऐड करके इसे अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लीजिए, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आपको एक पैन लेना है, उसमें 3 टेबलस्पून तेल ऐड करना है। तेल में कंजूसी मत करिएगा, तभी तरी इसकी बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप तेल ऐड करने के बाद जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरे की ऐड कर दीजिए। जब जीरा क्रैकल हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड किया है। अब हम यहाँ पे प्याज को हल्का फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए या ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। अब मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किया है, ये भी एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसे भी आप अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए भून लीजिए प्याज के साथ में। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसे आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर। पेस्ट ऐड करने के बाद हम उसे 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि थोड़ा सा तेल उसमें छूट जाए और ये भी एक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। 1-2 मिनट के बाद अब हम मैंने यहाँ पे कोल्हापुरी मिसल मसाला ऐड किया है, जो कि आपको कहीं भी स्टोर पे मिल जाएगा। पूरा पैकेट आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब इसे हल्का सा फ्राई करना है 3-4 मिनट के लिए ताकि इसमें से तेल निकल जाए। देखिए तेल कितनी अच्छी तरीके से इसमें से निकलने लगा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्प्राउट्स ऐड करेंगे। इसमें चना है, मटर है और कुछ स्प्राउट्स हैं। इसको मैंने 2-3 सीटी लगा ली थी जिससे ये अच्छी तरीके से गल गए हैं और अब आप इसमें मसाले में इसको ऐड कर लीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि आप नमक बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं, तो पहले मत डालिएगा। फिर अब आप मिक्स करने के बाद इसमें 2 कप पानी की डालनी है। पानी डालने के बाद एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो स्प्राउट्स हैं उसमें सारे जो इसका टेस्ट है मसाले का वो भी चला जाए अच्छी तरीके से। 10 मिनट के बाद देखिए कितना ही खूबसूरत कलर आया है, एकदम रेड। तो हमारा जो मिसल है वो बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से घुल मिल गए हैं इसमें स्प्राउट सारे और कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अब हम इसको गार्निश करने के लिए इस पर कुछ धनिया की पत्ती चॉप करके डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको पाव और थोड़े प्याज, फरसान, नींबू रख लेना है। और अब हम यहाँ पर मिसल निकाल रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी तरी कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल तेल ऊपर है। अब हमने इसके ऊपर से फरसान डाला है, आप सेव भी डाल सकते हैं पर फरसान आपको मिले तो ज़्यादा अच्छा है। फिर चॉप किए हुए इसमें अनियंस यानी प्याज डाले हैं और यहाँ पे नींबू का जूस इस पर डाल दीजिए और ये खाने के लिए रेडी है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।